हाय फ्रेंड्स, द मैम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा ए दिल है मुश्किल के बारे में और बिग बॉस के बारे में। जी हाँ, ऐसा लग रहा था पहले कि बिग बॉस में शायद करण जौहर अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल का प्रमोशन करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अब जो खबरें आ रही है कि बिग बॉस शो में ए दिल है मुश्किल का प्रमोशन नहीं होगा, इसके रीजंस तो बताए नहीं गए, लेकिन हमें जरूर पता है इसके रीजंस। जितना मुझे मुझे लग रहा है उस हिसाब से ये कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान एक साथ, आपने उनको शायद ही कभी देखा होगा जब से उनका एक ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद दोनों की लाइफ काफी अलग हो गई थी। बट आई थिंक कॉर्डियल टर्म्स में, मिलने जुलने की टर्म्स में, बातों के टर्म्स में उतना ज्यादा उनका मतलब आई थिंक कॉन्टेक्ट नहीं है और नहीं रखना चाहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी लाइफ में खुश है और इसीलिए, और ये फिल्म में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है ऐश्वर्या बच्चन। ऐश्वर्या बच्चन ने पहले ही कह दिया था, प्रमोशन जब चालू हुआ था तभी कह दिया था कि मैं इस फिल्म का प्रमोशंस नहीं करूंगी क्योंकि मेरी जो बच्ची है घर में, मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं फवाद खान के ऊपर जो उठे सवाल थे, मतलब कि पाकिस्तान उन्हें भेज दिया जाए, पाकिस्तानी एक्टर रहेंगे तो फिल्म में मतलब ये फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी महाराष्ट्र में, इस तरह से मनसे ने कहा था, मनसे पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं फवाद खान भी प्रमोशंस के दौर में नहीं है और कहीं ना कहीं अब प्रमोशंस के लिए बचते हैं अनुष्का और रणबीर। आई थिंक अनुष्का भी आउट ऑफ टाउन है, मतलब आउट ऑफ कंट्री है, आई मीन। तो आई थिंक रणबीर ही शायद है जो प्रमोशंस कर रहे हैं। आपने उन्हें डीआईडी के मंच पे देखा होगा, सॉरी डीआईडी नहीं, डांस प्लस के मंच पे देखा होगा। और रणबीर फिलहाल प्रमोशंस फिलहाल चालू है। रणबीर से कपूर से भी जब पूछा गया था कि हमने सुना है कि शायद आप बिग बॉस हाउस में नहीं जाएंगे इस बार, तो इस पे रणबीर ने कहा था कि ये सब आपके मन की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने एक क्लियर कट आंसर नहीं दिया, मतलब मोस्टली ऐसा तो पता ही है कि नहीं जाएंगे 99%, बट कहीं ना कहीं शायद उन्होंने एक उम्मीद दी है कि शायद जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो कौन जाएंगे वो तो आप समझ ही सकते हो, करण जौहर ही हो सकते हैं, आई थिंक अनुष्का शर्मा ही जा सकती है क्योंकि अनुष्का शर्मा ने सुल्तान मूवी की थी सलमान खान के साथ। और आई डोंट थिंक रणबीर कपूर और या फिर ऐश्वर्या बच्चन शो का हिस्सा होंगे। रणबीर कपूर की जो एक्स गर्लफ्रेंड है और सलमान खान की भी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी कटरीना कैफ, भी शायद एक रीजन हो सकते हैं, शायद इसके वजह से रणबीर कपूर इस शो में ना जाए। बट बिग बॉस शो जो चालू होने वाला है अक्टूबर 8 सॉरी 16 से, अब देखने वाली बात यही है कि क्या प्रमोशंस करते हैं, क्योंकि 28 अक्टूबर को मूवी रिलीज हो रही है और बिग बॉस जो चालू हो रहा है वो आई थिंक 16 अक्टूबर से चालू हो रहा है। जी हाँ, अब ज्यादातर जहां तक लग रहा है कि बिग बॉस में इस मूवी का प्रमोशन नहीं होगा। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।